वेलकम बैक। अच्छा जी, आपने देखा ये जो आपका क्राइटेरिया आपने पुट किया, ठीक है, और उसके बाद इसको सर्च करवाया। फर्स्ट आपने यहाँ से डाउनलोड की, ठीक है, इसका फर्स्ट पेज। सेकंड पेज यहाँ से इसको आगे करके, ठीक है, सेकंड पेज पे आए। अब आपने 100 एक शीट पे इसको ओपन किया, ठीक है, जब डाउनलोड होने के बाद ये दूसरी शीट पे आपने इसको डाउनलोड किया, ठीक है। ये फर्स्ट वाला जो इसका ये है ना सेल, इस पे रख के कंट्रोल ए करें। कंट्रोल ए का मतलब ये सेलेक्ट ऑल हो गया, ठीक है। अब इसको करें कंट्रोल सी, मतलब ये कॉपी हो गया। हम दूसरी शीट पे आएंगे जहाँ पे हमने पेस्ट करना है। ये ऑलरेडी फर्स्ट तो हुई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर आके नहीं करेंगे, नीचे आएंगे 100 के बाद जहाँ हमारा खाली कॉलम होगा वहां आके हम यहाँ पे आके इसको रख के और कंट्रोल वी कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल वी करेंगे, थोड़ी सी देर लगेगी। वो ये वाली जो शीट है आपकी, ये वो यहाँ पर सारी की सारी दूसरी शीट पे यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। मजीद आपने प्रोडक्ट इसकी जो है वो डाउनलोड करनी है। अब आप अभी आप दूसरे पेज पे बैठे हैं, अब आप तीसरे पे पेज पे चले जाए यहाँ से, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन कोई बात? मतलब ज्यादा ढेरों की तादाद में आपको कीपा ने निकाल के दे दी प्रोडक्ट्स, ठीक है, और आप इसको वन बाय वन डाउनलोड करके अपने पास संभाल लें। स्लोली स्लोली आप प्रोडक्ट को एनालिसिस करते जाएं। जी सर, ये क्लियर है इनको। ठीक होगा, चलिए फिर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आगे हम पढ़ें, या आज के लिए इतना काफी है ये? कोई इतने मेरे ख्याल से तो ये बहुत आसान है, आप लोग ये ब्लैक बॉक्स में कर चुके हैं, ठीक है। यस, क्विक रिप्लाई प्लीज। ताकि हम पढ़ लें। जी सर, आगे चलिए। जी, आसिया पूछ रही जो प्रोडक्ट सर्च की है उनका भी एनालिसिस करना है। भाई देखिए, हमने आपको एक राह दिखा दी है, ठीक है, आप प्रोडक्ट सर्च करेंगे, जाहिर सी बात है इनको एनालाइज करके आप अपने जो है न्यू क्लाइंट के लिए उसके लिए एनालाइज करेंगे ना। आपको कभी भी प्रोजेक्ट मिलता है तो आपको ये चीज करनी आनी चाहिए, ठीक है। हमने आपको हर चीज एनालाइज करना सिखा दिया है, प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, वो सारे तरीके, टूल कैसे इस्तेमाल होता है, ये सब कुछ आपको सिखा दिया है, ठीक है। अब आपका कोई असाइनमेंट नहीं है आज का, क्योंकि ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब आप उसको प्रैक्टिस अपने तौर पे करते रहे, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा जी, हम कल के मैंने आपको कहा था, आप लोगों को स्लाइड भी मैं दे दूंगा। मी टू इट मींस लिस्ट, आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर चुके हैं, ऐसा ही है। नीतू एंड शिपिंग प्लान, शिपिंग प्लान बनाते हैं। शिपिंग प्लान का मकसद ये होता है कि आप जो है वो आपने परचेसिंग कर ली है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर से की है या ब्रांड से की है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, आप उसको, आप पहली बार डिस्ट्रीब्यूटर से आपने परचेसिंग कर ली, अब डिस्ट्रीब्यूटर आपको कह रहा है या आपका जो उसको सप्लायर मान लेते हैं, ठीक है, सप्लायर कह रहा है सर आपने प्रोडक्ट तो खरीद ली है, इसको कहाँ पर भेजना है, या आप इसको खुद आएंगे लेकर जाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपको अमेजोन का वेयर हाउस का एड्रेस चाहिए ना, वो कहाँ से मिलेगा? वो जब आप शिपिंग प्लान बनाएंगे तब आपको ये मिलेगा, ठीक है। शिपिंग प्लान आप बनाएंगे तो आपको अमेजोन का वेयर हाउस मिलेगा, लेकिन उससे पहले अमेजोन कहता है जनाब आपने कहीं से प्रोडक्ट परचेज की हुई हो, ताकि शिपिंग प्लान बनाते वक्त आप मुझे बताएंगे कि आप मुझे अपना जो आपकी जो इन्वेंट्री है उसका कितनी क्वांटिटी वो आ रही है, उसके कितने पैकेजेस आ रहे हैं। आपको ये अभी तो बहुत आसान लग रहा है कि क्या है, वो तो लिखना ही तो है कि मेरे इतने इतने प्रोडक्ट आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ट्रिकी है, बहुत स्किलफुल है, ठीक है। आपको ये हर जगह इवन के गोरे भी जो है ना, अंग्रेज भी जो है ना, इसको इतनी आसानी से नहीं बना सकते, ठीक है, वो भी पे करते हैं आपको शिपिंग प्लान बना के देने के लिए, ठीक हो गया। तो इसको थोड़ा सा देख ले आप। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा अभी ओवरव्यू करवाऊंगा आपको स्लाइड्स पे, फिर इंशाल्लाह हम लाइव अकाउंट पे जाते हैं, ठीक है। अच्छा,
बल्कि सबसे पहले आपको, मैं एक सेकंड, ये वाली आपकी लिस्टिंग, हाँ जी, इम्पोर्टेंट आपकी जो है वो थिंग्स यू शुड हैव, आपके पास बहुत जरूरी ये नॉलेज है, ठीक है, जैसे अभी आप, मैंने बताया आप लोगों को क्या क्या, एड्रेस फ्रॉम शिप, अमेजोन को आप बताएंगे कि मेरी ये जो शिपमेंट आ रही है ये कहाँ से आ रही है, आपके पास एड्रेस होना चाहिए, आपने अपने सप्लायर से बात की होगी तो आपके पास जाहिर सी बात है एड्रेस भी होगा, ठीक हो गया। अच्छा, फिर अमेजोन को आपने बताना है, आपको खुद को पता होना चाहिए कि एक्सपेक्टेड डेट क्या है, आपकी वो जो शिपमेंट है वो किस डेट तक पहुंचेगी, अमेजोन को आप ये बताएंगे कि सर हमारी ये एक्सपेक्टेड डेट है, कोई इशू नहीं कंफर्म ना हो, लेकिन एक्सपेक्टेड आप बता सकते हैं, एक दिन दो दिन छोड़ के अमेजोन को बता सकते हैं कि सर मेरी जो है फलां डेट को मेरी इन्वेंट्री शिपमेंट आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है, ये डेट भी आपको कंफर्म होनी चाहिए, आपने कोई इन्वेंट्री खरीदी होगी तो आपको पता होगा, उससे आपने वैसे ही बात कर ली है ब्रांड से, डिस्ट्रीब्यूटर से कि भाई कितने दिन लगेंगे आपको ये मुझे भेजने में, ठीक है, वो आपको बता देगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए आपकी जो वो शिपिंग कैरियर है जो कि लेके आने वाला है, कैरियर से बाद वो जो कोरियर सर्विस वाले होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप वो जो आपकी प्रोडक्ट लेकर आ रहा है वो आखिर कौन है जो लेकर आएगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूपीएस वाला है, यूपीएस वाले भी दो होते हैं, ठीक है, कोरियर सर्विस वाला ही होता है, अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है यूपीएस, ठीक है, तो वो जो है एक अमेजोन का पार्टनर भी है और एक नॉन पार्टनर भी है, ठीक है, अगर आप अमेजोन के यूपीएस के पार्टनर से भेज रहे हैं तो भी आपको बताना होगा, नहीं भेज रहे पार्टनर के साथ तो भी आपको बताना होगा, ठीक है, आपने जाहिर सी बात है कोई इन्वेंट्री परचेज की है तो आपको सारी नॉलेज है कि मैं ये प्रोडक्ट अमेजोन को कैसे भेजने वाला हूँ, ठीक है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात है, आपको नंबर ऑफ योर कार्टन्स आपको पता होने चाहिए कि मैं जो है अपनी इन्वेंट्री, अपनी शिपमेंट जो भेज रहा हूँ उसके अंदर कितने कार्टन है, ठीक है, पीसेस की बात नहीं करा, मैं यूनिट्स की बात नहीं करा, मैं पहले कार्टन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कार्टून्स कितने हैं मेरे, एक है, दो है, दस है, पांच है, कितने हैं, ठीक है, और सिर्फ इतना नहीं आगे चले जा रहा, उस कार्टन्स की आपको डायमेंशन पता होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट, एक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसकी विड्थ कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, ठीक है, डायमेंशन आपके कार्टन्स की बोल रहा हूँ, मैं यूनिट की नहीं बोल रहा, यूनिट 150 भी हो सकते हैं, कार्टन एक होगा, ठीक है, 150 यूनिट एक कार्टन में आ सकते हैं, और अमेजोन 150 यूनिट एक कार्टन में अलाउ करता है, 150 से ज्यादा अलाउ नहीं करता एक कार्टन में, ठीक हो गया, आपकी उसकी डायमेंशन जो भी हो आपकी यूनिट की, फिर आपके उस कार्टन की आपको डायमेंशन पता होनी चाहिए, जाहिर सी बात है आपने जो चीज परचेज की है, जहां से परचेज की है, ब्रांड से या आपका जो है वो सप्लायर, वो आपको बताएगा कि सर मैंने आपकी ये प्रोडक्ट पैक कर दी है, कार्टन में भी डाल दिया है, ये आपके कार्टन इतने बनते हैं और हर कार्टन की ये डायमेंशन है, और 100% कार्टन की डायमेंशन चेंज होती है, सारे कार्टन एक ही डायमेंशन के, बहुत रेयर केस होता है जो होते हैं, अक्सर नहीं होते, ठीक है, अक्सर नहीं होते, इस वजह से शिपिंग प्लान में आपकी कार्टन की डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक कार्टन की आपको डायमेंशन पता होनी चाहिए, इसकी विड्थ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, नंबर ऑफ टाइप ऑफ यूनिट्स इन ईच कार्टन आपको पता होना चाहिए, हर कार्टून के अंदर मेरे यूनिट्स कितने हैं, ठीक है, आपका अगर तीन प्रोडक्ट का एक यूनिट है, आपके प्रोडक्ट है उसके अंदर तीन, ठीक है, फॉर एग्जांपल लोशन की बात कर लेते हैं, लोशन की जो वो है आपकी प्रोडक्ट है वो तीन, आपने वेरिएशन बनाई है, ठीक है, तीन को मिला के एक यूनिट आपका बनता है, वो एक यूनिट आपका जो है वो 150 होने चाहिए उसके अंदर, कार्टन्स के अंदर, ठीक है, तो 100% इसकी डायमेंशन चेंज होगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, इंडिविजुअल कार्टून्स
कितने हैं और फुल पायलट्स में आ रहा है तो वो कितने हैं, ठीक है, सारी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बिफोर यू क्रिएट अ शिपिंग प्लान, राइट। ये छोटी सी चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब शुरू से शुरू करते हैं, थोड़ी सी टेम्पलेट्स हैं, ये टेम्पलेट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, आप लोगों के लिए निकाला है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मीटू का पहले देखेंगे क्योंकि मीटू इसमें है, बिल्कुल है। Your product are correctly packed and labeled for safe, secure shipping your customers for an Amazon fulfillment center. ठीक हो गया। अच्छा जी, ये सात तरीके हैं आप e-commerce में become ready, ठीक है। Add or change product to FBA, set quantity को आप set करते हैं, prep product करते हैं, ठीक है, prepare products को करते हैं, फिर label करते हैं उसको, ठीक है, रिव्यू एंड अप्रूव शिपमेंट करवाते हैं, प्रेप शिपमेंट करते हैं, ठीक है, रिव्यू समरी करते हैं। ये किस चीज की बता रहा है, ये अभी जो आप बनाने वाले हैं उसकी ये बता रहा है, ठीक है, आपका शिपिंग प्लान की बता रहा है, ठीक है। दो तरीके होते हैं, आप एक वाहिद से मतलब सिंगल प्रोडक्ट को अपलोड करके भी शिपिंग प्लान बनाते हैं, आप पूरी बल्क क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, ठीक है। There are two ways. One by one, एक-एक product करके भी इसको shipping कर सकते हैं, plan बना सकते हैं, या bulk में भी आपकी बहुत ज्यादा products हैं, किस्में की products हैं, सबको आप एक साथ ही भेजना चाहते हैं तो भी आप shipping plan बना सकते हैं, ठीक है। जिनकी और ऐसा होता है, ऐसे भी लोग हैं, लोग क्या, जिब्रान न्याजी को आप सर्च कीजिएगा, वो पाकिस्तान के Amazon के दुनिया में फिफ्थ नंबर पे हैं, जो कि अमेजोन के बहुत बड़े सेलर हैं, बहुत बड़े सेलर्स हैं, मिलियंस में उनकी सेल्स है और उनकी 5000 प्रोडक्ट से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स वो बेचते हैं, ठीक है। तो ये बल्क की जो है वो, ये ऐसे लोगों को काम आता है जिनकी इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं, काफी ज्यादा SKUs होते हैं, वो एक ही शिपमेंट प्लान बनाते हैं और उसके अंदर भेज देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, मीटू का तरीका मैंने बताया था आप लोगों को, आपका सेलर सेंटर होगा ये, ठीक है, एड अ प्रोडक्ट, इसको क्लिक करते हैं, ये वाला आ जाता है आपके पास, ठीक है, एसएन आप अपना डाल देते हैं इसके अंदर, ये हमने कल भी सीखा था, ठीक है, आपने सर्च क्लिक किया, आपकी प्रोडक्ट ये निकली, आपने यहाँ आके सेल दिस प्रोडक्ट किया। अच्छा, ये अनगेट के बाद है, ठीक है, अब अनगेटेड आपने करवा लिया, अप्रूव करवा लिया उसके बाद, ठीक है, सेल दिस प्रोडक्ट पे आपने क्लिक किया या न्यू सेलेक्ट करके सेल दिस प्रोडक्ट पे, ये हमने सीखा था, ठीक है। इस तरह की प्रोडक्ट आ जाती है आपके पास, नीचे आपसे ये पूछता है आपका SKU नाम, जो प्रोडक्ट का नाम लिख रहे होते हैं, जैसे कि ये लिस्टिंग आप कर रहे होते हैं, ठीक है, SKU आपके लिए होता है, ये मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे आप प्राइस लिखते हैं, ठीक है, क्वान्टिटी आप नहीं लिख पाते क्योंकि आप जब ये आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ तब ये क्वान्टिटी आती है, जब आप कहते हैं आई विल शिप दिस, अमेजोन विल शिप दिस प्रोवाइड कस्टमर सर्विस फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, तो फिर ये क्वांटिटी चली जाती है, ऐसा ही है, कल भी आपको समझाया था। अच्छा, आगे चलते हैं, ये देखें यहाँ पर आया तो क्वांटिटी चली गई, आपने कंडीशन डाली कि न्यू कंडीशन है, प्राइस डाल दी, आपने अपना SKU लिख लिया, ठीक है, और ये सेलेक्ट कर लिया आपने अमेजोन का, ये आपकी यहाँ पे सेव किया और आपकी ये लिस्टिंग क्रिएट हो गई, ठीक है, यही सिखाया था कल मैंने। इस लिस्टिंग को कैसे जाके देखते हैं ये भी मैंने बताया था आपको, यहाँ पर इन्वेंटरी का ऑप्शन आता है, मैनेज इन्वेंटरी, कल मैंने बताया था कि इस तरह से आपकी लिस्ट आ जाती है, लिस्ट बनी हुई आ जाती है, जो आप प्रोडक्ट जो है आपने एड किया, ठीक है, ये आपने होलसेल के लिए प्रोडक्ट मीटू किया, इस तरह से आ जाती है, ठीक है। उसके बाद अब आप बनाते हैं इसका शिपिंग प्लान, ठीक है, अभी मैं आपको स्लाइड्स पे दिखा रहा हूँ, उसके बाद लाइव अकाउंट पे जाके सिखाऊंगा, ठीक है। अब जब आप ये इन्वेंट्री पे आप आए, मैनेज इन्वेंट्री, जाहिर सी बात है आप पहले लिस्टिंग देखना चाहेंगे ना, लिस्टिंग के लिए आप ये मैनेज इन्वेंट्री करेंगे, जितनी भी लिस्ट लगी भी होगी वो सारी यहाँ की आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, उसमें से जो प्रोडक्ट आप अमेजोन को भेजने वाले हैं उसी को आप जो है सेलेक्ट करने के लिए इसको देखेंगे, यहाँ पर आएंगे, ये लिखा हुआ एडिट का बटन, ठीक है, उसके बराबर में ये छोटा सा बटन आ रहा है, ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से पॉपअप हो जाएगा, सारी ये आपसे पूछेगा कि आपने इसके साथ क्या करना है बताइए। आप यहाँ पर लिखा हुआ ये सेंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी, ठीक है, सेंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी का मतलब ये है हम जो है
अमेजोन को अपनी शिपमेंट बनानी है हमने और भेजने वाले हैं, तो हम ये हमने करना है, ठीक है, रिप्लेनिश करना है। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको ये इस तरह का लेकर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह की। अब यहाँ पर आपकी ऑलरेडी ये सारी चीजें सेलेक्ट हुई हुई है, ठीक है, एड्रेस भी आपका आ गया, आपकी ये प्रोडक्ट भी आ गई, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट भी आ गई, आपकी मार्केट प्लेस भी आ गई, ठीक है, ऑटोमेटिक आपकी सेलेक्ट हो जाती है। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, मार्केट प्लेस को भी चेंज कर सकते हैं, आप ये एड्रेस अपना भी दे सकते हैं, आपके यूएसए की जो कंपनी का एड्रेस है आप उसका भी दे सकते हैं, अगर आप देना चाहते हैं जहां से प्रोडक्ट जा रही है, जो आपका सप्लायर है उसकी एड्रेस देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं, जो भी आप देखना देना चाहें कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये लिस्ट वैसे ही आ गई है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये इंडिविजुअल यूनिट्स है, और उसके बाद ये इंफॉर्मेशन आपने पहले आप ये वाली फिल करेंगे, देखें येलो आ रहा है, इट मींस एरर आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखें, अच्छा सबसे पहले हम आप जो है इंडिविजुअल यूनिट्स या क्रिएट अ कैशबैक टेम्पलेट करेंगे आप, ठीक है। इंडिविजुअल यूनिट्स और कैशबैक, ये दो तरीके हैं आपके, जैसे आपने वहां पर सीखा कि एक प्रोडक्ट होगी तो भी आप कर सकते हैं, या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगी तो उसका भी आप शिपिंग प्लान बना सकते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है जब ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, क्लियर लिखा हुआ पैकिंग डिटेल्स, अब आपकी प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, अब आपकी पैकिंग की डिटेल पूछी जा रही है कि आपके जो बॉक्सेस आ रहे हैं, कार्टन्स आ रहे हैं, कार्टन, उसको आप किस में रखना चाहेंगे, क्या वो इंडिविजुअल यूनिट्स होंगे या वो उसके लिए क्रिएट अ न्यू कैशबैक टेम्पलेट्स आप लेना चाहेंगे। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है? इंडिविजुअल यूनिट्स में आप ये बताते हैं कि इसके अंदर क्या कहते हैं, डिफरेंट वो है, जो आपके बॉक्सेस हैं, कार्टन्स हैं, उसके अंदर डिफरेंट साइज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, सॉरी, एक बॉक्स है जिसकी 18 किलो वजन है, एक बॉक्स है जिसकी 22 किलो है, एक बॉक्स है मेरा जो जिसकी जिसका वजन जो है वो तकरीबन है कोई 17 किलो है या 12 केजी है, ठीक है। अगर ऐसी सूरत होगी तो आप ये कहेंगे जनाब मुझे जो है आगे इंडिविजुअल यूनिट्स मुझे पैक करने हैं, ठीक है, मेरे पास इंडिविजुअल यूनिट्स हैं। पर अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 10 बॉक्स हैं, लेकिन 10 के 10 में 150 यूनिट हैं, ठीक है, एक बॉक्स में 150 और 10 बॉक्स है मेरे पास, और सबका साइज 12 केजी का है या 18 केजी का या 17 केजी का है, लेकिन 10 के 10 का इक्वल है, जब ऐसी सूरत होगी तो आप कहते हैं नहीं जी मुझे क्रिएट अ न्यू कैशबैक टेम्पलेट बनाना है, मैं सीधा सीधा जाऊंगा। अगर आपने ये कर लिया और आपकी आपके पास जो आप बॉक्सेस हैं उसकी उसमें थोड़ी बहुत वो है अपना रद्दोबदल है, तो फिर आपको ये ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है, ये आपको ऑप्शन नहीं देगा, तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए, और यही वो टेक्निक है जिसकी वजह से गोरे भी इसको नहीं कर पाते, ठीक है। अच्छा, मजीद इसमें आगे चीजें आती हैं, ठीक है। अच्छा, आपने कहा जी मेरे पास इंडिविजुअल है, आप हमेशा इंडिविजुअली लीजिए, क्योंकि आपके पास चाहे ऑप्शन तो होता है ना, आपके पास ऑप्शन तो होता है ना, कि अगर आपको भले सबकी सब सेम साइज के हो, ठीक है, लेकिन आपके पास फिर भी ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप ये कर लेते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं रहता, ठीक है, गलती से भी आप कर लेते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं रहता, अगर कोई छोटा बड़ा आपके पास वो कार्टन आ जाता है तो उसको आप फिक्स कैसे करेंगे, आपको एग्जैक्ट बताना होता है, ठीक है। अच्छा जी, इंडिविजुअल पे आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे प्रेप एंड लेबल डिटेल करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी ये सिर्फ टेम्पलेट में दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, फिर मैं आपको ये कंप्लीट दोबारा करके दिखाऊंगा तो आपको इजीली याद आ जाएगा। अब आपने इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसके बाद ये आपने लेबलिंग के लिए कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये कैसे हो गया, इसको तो करना था, खैर चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम क्लिक करते हैं, ठीक है, आप ये दोबारा भी कर सकते हैं, इसको शायद आगे होगा, नहीं चले इसको हम ये यहाँ पे देखे ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपको ऑप्शन देगा, ठीक है। ऑप्शन देने के बाद आप इसको बताते हैं कि मेरे पास कितने बॉक्सेस हैं, क्या है क्या नहीं है, फिर आप उसको करवाते हैं, तो फिर ये जो येलो आ रहा है ये खत्म हो जाता है और इस तरह से बना हुआ आ जाता है, ये देखें रेडी टू पैक हो जाता है, ठीक है। आप ये बता देते हैं इसके अंदर जो वो जो लेबल लगेगा, कौन लगाएगा, ठीक है, ये सारी डिटेल आप इसमें देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आप ये पैक इंडिविजुअल यूनिट्स करते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, सेलेक्ट करके आप आगे चलते हैं।
अच्छा जी, आगे आने के बाद आपसे पूछता है, हाँ जी आप बताइए, एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स और मल्टीपल बॉक्सेस विल बी नीडेड, ठीक है। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है, आप इसको बताएं जनाब मेरा जो है जाहिर सी बात है मल्टीपल बॉक्सेस है, एक बॉक्स नहीं है। समटाइम ऐसा होता है आप न्यू सेलर होते हैं, आपके पास कम क्वांटिटी होती है, जैसे 150 आपके होते हैं यूनिट, तो आपके पास एक बनता ठीक है बॉक्स, एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स। अब लिहाजा आपके पास 200 यूनिट्स हैं, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीपल बॉक्सेस विल बी नीडेड, ठीक हो गया। आप इसको क्लिक करेंगे, आगे आएंगे, अब आप आपसे पूछता है, अच्छा ठीक है, पहले पहले ये ऊपर वाला ये ऑप्शन पूछता है, एंटर थ्रू अ वेब फॉर्म, एंटर थ्रू अ वेब फॉर्म या एक सेकंड, अच्छा इसको ओपन करके मैं वहां दिखाता हूँ आपको, इसको हम ओपन करते हैं, इसका मकसद ये है कि आप जो है ये फॉर्म जो फिल कर रहे हैं ये आप इस ही वेब पे ही फिल करना चाहते हैं या आपके पास कोई अलग से फाइल है, ठीक है। इसको आप ओपन करेंगे तो आपको दो तीन ऑप्शन देगा, ठीक है। अगर आप Amazon के ये सेलेक्ट सेंटर से ही कर रहे होंगे तो आप इसको यही रखेंगे, एंटर थ्रू अ वेब फॉर्म, राइट। अच्छा फिर कहता है, अच्छा जी बॉक्सेस आपने कहा था एक से ज्यादा चाहिए, अब मुझे आप बताइए, ये पूछता है हाउ मेनी बॉक्सेस, कितने बॉक्सेस आपको चाहिए, एग्जैक्ट नंबर नॉट नीडेड, कोई मसला नहीं एग्जैक्ट नंबर ना हो लेकिन आप ऐसे भी डाल सकते हैं इसको, ठीक है। हमने कहा जी 200 प्रोडक्ट हैं मेरे पास, यूनिट्स हैं, लेकिन उसके लिए चार मुझे बॉक्सेस चाहिए, ठीक है, चार बॉक्सेस चाहिए, क्योंकि मैं 150 एक में नहीं भेजने वाला, मेरी प्रोडक्ट की डायमेंशन बड़ी है, क्योंकि वो 25 एक में आएंगे, इसलिए मैं जो है मुझे चार बॉक्सेस चाहिए, ठीक है। अब देखें बिल्कुल स्मूथ जा रहे हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ओपन अ वेब फॉर्म आप करेंगे, ठीक है, और कंफर्म एंड कंटिन्यू। अच्छा इंपॉर्टेंट आप चीजें आपको आ गई थी, ठीक है, हाँ जी। अब उसके बाद आपने आपको ये बता आपसे पूछेगा, अच्छा जी चार बॉक्सेस चाहिए या आपको दे दिए 1 2 3, ये दोनों मैंने नहीं बता रही थी, चले जी ठीक हो गया। आपको ये चार बॉक्सेस दिए गए हैं, अमेज़न ने आपको चार बॉक्सेस प्रोवाइड कर दिए, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, ये यहाँ पर आ गए। अब आप यहाँ पर इसको यूनिट बताएंगे, 25 एक में है, 25 दूसरे में है, 25 तीसरे में है, 25 चौथे में, ठीक है। उसके बाद अब चले जरा इसको स्लाइड्स को आगे करते हैं। अब मैंने इसको बोला 50 इसमें है, 50 इसमें है, 50 इसमें है, 50, अच्छा मेरे से वो काउंट में गलती होगी, 25 25 नहीं आएंगे, 25 के हिसाब से तो 100 हो जाएंगे, अब 50 50 के चार हो जाएंगे, ठीक है, तो ये 200 हो गए, 100 दो कार्टन में हो गए, 100 दूसरे कार्टन में हो गए, ठीक है। अच्छा जी अब यहाँ पर देखें, अच्छा ये देखिएगा ये इसका है, ठीक है, फर्स्ट बॉक्स की बात हो रही है, उसका वेट अगर लिखेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब ये दूसरा किसका वेट है, ये दूसरे बॉक्स का है, ठीक है, यहाँ पे वेट लिखेंगे तो ये तीसरे का वेट है, यहाँ पे वेट लिख रहे हैं तो हम इसका लिख रहे हैं, चौथे वाले बॉक्स का लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें इसका वेट बड़ा है, किसी भी रीजन की वजह से बड़ा है, अगर आप ये कैश पैक बनाते हैं तो यहाँ पे आप आपको ऑप्शन देता ही नहीं, अगर देते तो आप ये आपको एरर बताता, ठीक है, ये आगे ही नहीं बढ़ता, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन है, आप उसको बता रहे हैं जनाब ये तीन बॉक्सेस तो ये हैं, ये 2 2 किलो के हैं, ठीक है, 2 2 LB के हैं, और ये वाला 3 LB का है, ठीक है, टोटल LB आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा डेटा, क्योंकि आप ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं अपने सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर से, उसने आपको बता दिया है आपके पास चार बॉक्सेस हैं, चार बॉक्सेस में चारों के अंदर 50 50 50 यूनिट हैं, ठीक है, एक एक बॉक्स का जो है वेट 2 LB है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 2 है, जो चौथा बॉक्स है उसका 3 LB है, ठीक हो गया। अच्छा जी अब जाहिर सी बात है इसकी डायमेंशन भी चेंज होगी, अब वो आपको बताएगा सर आपके बॉक्स की जो लेंथ है वो 15 है, विड्थ जो है वो 15 है, और हाइट उसकी 12 है, ठीक है। अब ये आपने लिख लिया,
उसके बाद आप ये वाली अगर आपकी एक बॉक्स की है तो आप ये क्लिक करेंगे, ठीक है, ये साइज, यही साइज इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, ठीक है। अब आपने एक ही साइज बता दी, ये बता दी ये वाली साइज इस बॉक्स के लिए भी है, इस बॉक्स के लिए भी है, इस बॉक्स के लिए भी है, ठीक है। आपने यहाँ पे नहीं लगाना, क्योंकि ये वाला बॉक्स जो है इसकी साइज ये नहीं है। यहाँ पर आप यहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ पर आप एड एनदर करते हैं ना डायमेंशन, तो आपको ये वाला बॉक्स मिल जाता है, ठीक है। फिर आप उसको बताते हैं कि इसकी विड्थ जो है 18 है, लेंथ 18 है, हाइट इसकी 15 है, लेकिन ये इस वाले बॉक्स की नहीं है, ये इस वाले बॉक्स की भी नहीं है, ये इस वाले बॉक्स की भी नहीं है, ये इस वाले बॉक्स की है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आके चेक लगाते हैं, क्लियर। और यही टेक्निक है एक्चुअली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद बहुत आसान है ये। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दीजिए जी। चलिए जी, कोई क्वेश्चन नहीं है, गुड हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आपने ये सब सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे आपने ये सारी चीजें की होंगी, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता देगा कि सर आपके जो है 200 पीसेस हैं, ठीक है, और 200 के 200 ही आपने जो है वो पुट कर दिए हैं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अभी आपको वार्निंग्स दे रहा है, ठीक है, कह रहा है सर आप इसको देख लीजिए, सारी चीजें सही हैं, ये इस मुताबिक हैं, हर चीज है, आपने जी बिल्कुल मुझे वार्निंग नहीं चाहिए, डिसमिस वार्निंग एंड कन्फर्म, ठीक है, कन्फर्म करके और आगे चले आए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई आपने पीछे गलती नहीं की होगी तो ये बिल्कुल सही होगा, अगर कोई गलती की होगी तो ये एरर बताएगा, आगे नहीं चलेगा, ठीक है, आगे ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और ये भी जो ये रेड हुआ हुआ है या हाईलाइट हुआ हुआ है, ये बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं हुआ हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने सही सब कुछ किया हुआ है, तो आप ये कन्फर्म एंड कंटिन्यू कर दीजिए, कन्फर्म एंड कंटिन्यू करेंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको जो डेट चाहिए वो आप बताएंगे कि ये आपकी शिपमेंट जो है अमेजोन को आप बताएंगे कि ये मेरी किस डेट तक में अपनी जो है इन्वेंट्री मेरी पहुंच जाएगी आपके पास, आपके वेयर हाउस में, ठीक है। उसकी कैलकुलेशन जाहिर सी बात है आपने सप्लायर से बात की होगी, सप्लायर ने आपसे पूछा होगा भाई कितनी इन्वेंट्री चाहिए, आपने कहा उसको 200 चाहिए, उसने कहा सर 6 दिन में मुझे लगेंगे आपकी प्रोडक्ट बनाने में, आपने कहा ठीक है। अब आपने बोला अच्छा जी ये मैं अमेजोन के वेयर हाउस तक भेजूंगा तो कितने दिन लगेंगे, उसने बोला जनाब हम तो नहीं ये काम करते, आप यूपीएस वालों से रब्ता कर लेंगे, आप यूपीएस वालों से रब्ता करेंगे, यूपीएस वाले को आप एड्रेस देंगे, भाई ये है उसकी एड्रेस, ठीक है, इस एड्रेस से अमेजोन के वेयर हाउस तक तुम कितने घंटों में लेके जाओगे, वो आपको बता देगा कि सर यूएसए में किसी भी स्टेट में मैक्सिमम 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो भी वो आपको बताएगा वो आप बताएंगे, ठीक है, 6 दिन उसके प्लस आपकी ये 2 दिन 3 दिन जो भी यूपीएस वाला आपको बताएगा उस हिसाब को रख के एक दो दिन ऊपर आप इसको अमेजोन को बता देते हैं कि सर ये मेरी इन्वेंट्री जो है इस दिन तक एक्सपेक्टेड है पहुंच जाएगी, ठीक हो गया। यहाँ से वो डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा जी, सेलेक्ट करने के बाद ये इसको बंद करेंगे, डेट आपने दे दी, ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ रहा है ये आपका जो है पार्सल छोटा है या जो है LTL है, लेस देन ट्रक लोड है, ठीक है, जाहिर सी बात है 4 बॉक्सेस हैं तो एक तो नहीं है, स्मॉल तो नहीं है, SDP का नहीं है, LTL है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर आपने जैसे उसको डेट बता दी, अब इसने आपको अमेजोन की वेयर हाउस की एड्रेस दे दी, ठीक है, ये अब आपके पास अमेजोन की एड्रेस आ गई, ये देखें शिप टू, ये बोला इधर भेज देना आप, ठीक है। अब ये वाली आप एड्रेस पहले ही नोट करेंगे यहाँ तक आते ही, ठीक है, यहाँ आएंगे इसको आप सेलेक्ट करेंगे और अलग से जाके इसको पेस्ट करके रख लेंगे, सेव कर लेंगे, ताकि ये आप जो है अपने यूपीएस वाले को देंगे, या आपका अगर डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर बोलता है मैं जहां बोलेंगे आपकी प्रोडक्ट भेज दूंगा तो ये आप उसको देंगे, ठीक है, कि मेरा मेरी इन्वेंट्री इस पे भेज दो, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपको पूछ रहा है कि हाँ जी देखिए 4 बॉक्सेस हैं, SKU 1 है और आपके यूनिट जो है 20 है, सारी चीजें सही है, ठीक है, आप बोले ठीक है, कन्फर्म शिपिंग और ये क्या है डेस्टिनेशन भी ठीक है, ओके हो गया, आगे चले। अच्छा आगे आ जाए, अच्छा ये जो फीस आ रही है ना ये आपको नहीं आएगी, क्योंकि ये फीस जो है अभी लेबलिंग की है, ठीक है, और ये आपने लेबलिंग भी इससे लेनी होती है, ठीक है, और उसके अलावा
टोटल रिप्लेसमेंट फी भी ये मेरे अकाउंट में पड़ती है, आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर अगर आपने ये रिप्लेसमेंट फी और सर्विस ली भी होगी तो आपको पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मेरे अगर यहाँ पे 500 प्रोडक्ट्स होते, ठीक है, और मैं ये प्लेसमेंट की सर्विस ले चुका होता, तो अब अमेजोन मुझे यहाँ पर एक नहीं ये 2-3 एड्रेस बताता अपने वेयर हाउस के, मुझे बोलता कि ये जो है प्रोडक्ट जो है इस एड्रेस पे भेज दो, ठीक है, या फिर आपको एक ही एड्रेस बताता और उसके बाद वो अलग अलग अपने वेयर हाउस पे खुद ही उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए। अब आपको बता रहा है कि लेबल पैकिंग ऐसे करना, ये सही तरीका है, ये सही तरीका नहीं है, ठीक है, सारी चीजें आपको कंफर्म बता रहा है, पूछ रहा है भाई ये यहाँ से प्रोडक्ट आनी है, यहाँ पर भेजनी है, एवरीथिंग। अब आपके पास शिपिंग आईडी उसने क्रिएट करके दे दी, क्योंकि अब आपने जो शिपिंग प्लान जो है वो बना लिया है, ठीक है। अब आप यहाँ से आपके जो बॉक्सेस के जो ये देखें, ये पूछ रहा है ना, ये बता रहा है अगर आपका एक प्रोडक्ट है तो आप उसको इस तरह से एक बॉक्स के ऊपर ये लेबल जो यहाँ से आप प्रिंट आउट करेंगे ये उसके ऊपर लगाएंगे आप, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ आगे चल के कौन से लेबल होते हैं। एक आपने SKU के डाउनलोड करने हैं, एक इसका आपने SKU लगेंगे आपके जो प्रोडक्ट होता है, जो एक यूनिट होता है उसके ऊपर लगता है, ठीक है, पैकिंग के ऊपर, और ये लेबल जो है आपका ये बॉक्स के ऊपर लगता है, ठीक है। बॉक्स कितने होंगे हमारे, 4 है बॉक्स, तो लेबल कितने निकलेंगे, ओनली 4, ठीक हो गया। ये देखिए आपने प्रिंट आउट कर इसको दिया, इसने आपको 1, 2, 3, 4 निकाल के दे दिए, यहाँ पे नजर आ रहा है 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब ये आपने निकाल के अपने सप्लायर को भेज दिए कि जनाब ये वाला जो है मेरा, आप मेरी जो है वो पैकिंग है, जो बॉक्सेस हैं, पहले वाले पे ये लगाइएगा, दूसरे वाले पे ये लगाइएगा, तीसरा, क्योंकि इस पे सब कुछ निशान दिए हुए होंगे, ठीक है, इसने आपको बताया होगा सिक्वेंस वाइज, ये आपको बताएगा, ये अभी ब्लर हो रहे हैं तो इसीलिए नजर नहीं आ रहे, अदरवाइज यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि ये फर्स्ट बॉक्स पे लगाना, ये सेकंड बॉक्स पे लगाना, जिसकी डायमेंशन वो आड़ी टेढ़ी थी उसके लिए अलग से इसमें होगा लेबल, ठीक है, और वो जो जिसका कम या ज्यादा वेट और डायमेंशन होगी वो वाला लेबल उसी बॉक्स पे लगाना है, ठीक हो गया। ये आपने अपने सप्लायर को बोलना होता है 100%, ठीक है, और उसको बोले कि लगा के एक मेहरबानी करके स्काइप मुझे इसकी शक्लें दिखा दे कि इसने जो है लगाया है या नहीं लगाया, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप ये हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो उसको निकाल के दे देंगे, बोलते भाई ये भेज दो आप अपने सप्लायर को, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये प्रिंट हो गए आपके लेबल, 4 लेबल, ठीक है, कंटिन्यू कर दें आप, ठीक है, उसके बाद आपको ये सारी चीजें बता रहा है, अब आपका ये कंप्लीट हो गया और जस्ट प्रोसीड टू एंटर, ये थोड़ा छोटा लिखा हुआ नजर आ रहा है, ट्रेसिंग डिटेल, ये आपका हो गया, ठीक है, प्रोसेस करेंगे तो ये आपके पैसे जो अकाउंट से जितने भी कटने हैं, किस किस चीज के कटने हैं, लेबलिंग के कट रहे हैं, $60 कट रहे हैं, ठीक है, खैर इसमें गड़बड़ हो सकती है, मैं इसको खुद ही देखूंगा बाद में, तो आपने ये कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये पूछ रहा है अगर ये वो जो आपके 4 बॉक्सेस हैं वो किस तरह के, कोई मतलब एक साथ बन के आ रहे हैं क्या, मैंने कहा हाँ हाँ, 2 जो बॉक्सेस है ना वो एक साथ उसमें है, मतलब 2 पायलट्स हैं मेरे, पायलट्स बन जाते हैं ना, वो 2 बड़े बड़े बॉक्सेस को अगर एक साथ रैप कर दो तो वो 2 बन जाते हैं, सही है ना, 4 को अगर अलग अलग, 2 को एक के, 2 को एक साथ, सही है, तो इसको मैंने बता दिया हाँ 2 तरह के वो आ रहे हैं, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अच्छा, ये सारा हो गया। यहाँ पे कैरियर सर्विस पूछ रहा है कि जनाब आपके कौन से कैरियर सर्विस से आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे वो मैंने बताना है, आगे चल के देखते हैं, ये ओपन किया मैंने, अब यहाँ पर अगर आपका वो करियर सर्विस आ रहा है तो वो सेलेक्ट करें, नहीं आ रहा तो इधर अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रोसेस करें और आपका ये हो गया, ठीक है, ये कंफर्म हो जाती है, आपकी ये शिपिंग प्लान बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने SKU निकालने होते हैं, ठीक है, ये आपको बता रहा है, ये इस तरह के SKU आप प्रोडक्ट के अंदर नहीं लगाइएगा, पूरा उसको पैक करके, ठीक है, और जो उसका अच्छे तरीके का जहाँ पे निशान वगैरह आ रहे होते हैं वहां पर ऊपर अच्छे तरीके से आप लगाएं इसको, ठीक है, गलत तरीका ये है, आप इसको अंदर नहीं लगाएं, इसको बाहर लगाएं, ठीक है, बॉक्स को हर बॉक्स के ऊपर होना चाहिए जैसे आपको तस्वीर में दिख रहा है, ठीक है,
वो ट्रैकिंग इसको आप ट्रैक कर सकते हैं, अपनी शिपमेंट जो आपने बनाई है उसको आप ट्रैक कर सकते हैं, ये आपकी शिपिंग आईडी मिल जाती है, ठीक है, अमेजोन को आप अपनी जो है वो ट्रैक कर सकते हैं अपनी, ये देखिए ये सारी सब कुछ आपको मिल जाता है, ठीक है, ये आपके लेबल वगैरह हो गए, ठीक है, इस तरह के होते हैं, ये लेबल यहाँ पे लगते हैं, ठीक है, ये SKU नहीं है, ये लेबल्स है, SKU प्रोडक्ट के ऊपर लगता है, ठीक है, वो आगे जाके होगा मेरे ख्याल से, दिखाता हूँ। अच्छा, इसको हम ट्रैक कैसे करते हैं, इन्वेंट्री में जाते हैं और मैनेज FBA शिपमेंट्स में क्लिक करते हैं, फिर वो जो आईडी होती है वो ट्रैकिंग आईडी हम यहाँ पे डालते हैं और फिर वो हमें बताता है कि ये आपने जो शिपिंग प्लान भेजा